प्रॉब्लम नंबर 34, किस तरह का सम्स है उसको जरा ध्यान से देखिए। ए फैक्ट्री इज करेंटली रनिंग एट 50% कैपेसिटी। एक फैक्ट्री जो है वो 50% कैपेसिटी पे काम कर रहा है एंड प्रोड्यूसेस 5000 यूनिट्स, और 5000 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहा है 50% पे एट ए कॉस्ट ऑफ 90, और उसका जो कॉस्ट आ रहा है वो 90 पर यूनिट आ रहा है, और 90 कैसे आ रहा है तो मटेरियल 50 रुपए का लग रहा है, लेबर 15 लग रहा है, तो दोनों का दोनों फुली वेरिएबल हुआ। लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड 15 रुपीस है, उसमें 6 पर यूनिट फिक्स्ड है, तो अरे 5000 यूनिट है तो आपको तो फिक्स भी पता चल गया और वेरिएबल भी पता चल गया। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 10 रुपीस है, 5 रुपया फिक्स्ड है, तो 5 जो है सो सेमी वेरिएबल में जाएगा। द करेंट सेलिंग प्राइस इज रुपीज 100 पर यूनिट। करेंटली 5000 यूनिट्स बना रहे हैं, कॉस्ट 90 आ रहा है, 100 में बेच रहे हैं, 10 रुपया आपका प्रॉफिट हो रहा है। एट 60% वर्किंग, बोलता है अगर आप 60% में करेंगे तो क्या होगा, मेटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज बाय 2%। मेटेरियल 50 रुपीज का एक यूनिट आ रहा है, 2% करेंगे तो कितना आएगा, 50 का 2% 1 रुपया। यानी अगर आप 60% कैपेसिटी पे काम करते हो तो मेटेरियल 2% बढ़ जा रहा है एंड सेलिंग प्राइस पर यूनिट, बट सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो है 2% से घट जा रहा है। 100 रुपीज करके बेच रहे थे, अभी 100 का 2% कितना हुआ, 2 रुपया, तो 98 बोल रहा है। एस्टिमेट प्रॉफिट ऑफ द फैक्ट्री एट 60% वर्किंग, 50% में आपको सब कुछ दे दिया हुआ है, बोलता है 60% में प्रॉफिट कितना होगा, तो नो डाउट कॉस्ट भी दे दिया है, प्रॉफिट भी आपको निकल जाएगा क्योंकि सेलिंग प्राइस दे दिया है, तो आपको प्रॉफिट निकल जाएगा 5000 में। अब बगल में लोग 6000 का बना देंगे, चलिए शुरू कीजिए। फ्लेक्सिबल बजट, इसमें सिर्फ दो ही खींचेंगे, 5000 50% इजिकल तो कितना, तो 60% में कितना हो जाएगा बोलिए, 6000 यूनिट्स, पहला लिख दो, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल में आ रहा है आपका सबसे पहले मटेरियल, एट द रेट ऑफ 50 पर यूनिट, लेबर भी दिया हुआ है आपको एट द रेट ऑफ 50, तो सिर्फ दो ही जो है मटेरियल, वैसे भी टोटल जो है ना हेड 4 ही दिया है, अभी तक जो दो प्रैक्टिस करवा रहे थे उसमें बहुत सारे हेड्स थे, उसमें फिक्स्ड वेरिएबल सेमी वेरिएबल आप देख रहे थे, वेरिएबल मटेरियल और लेबर रहेगा, और अगर वेरिएबल वर्ड यूज किया तभी होगा, यानी जो 100% कभी कभी परसेंट बोल देता है 100%, फिक्स्ड में जो टोटल फिक्स्ड होगा सो आएगा। सेमी वेरिएबल में अगर कोई भी एक्सपेंस के साथ आपको लिख दिया कितना वेरिएबल है कितना फिक्स है, जैसे इसमें लिख दिया है, और इसके पहले वाले सम्स में आपको कितना फिक्स्ड है कितना वेरिएबल है परसेंटेज दे दिया था, तो वही आएंगे कहां पर, सेमी वेरिएबल में। तो ये हमारा आ गया पहला ए, इनटू करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन यहां पर एक बात का ध्यान रखना है, 50 रुपीस पर यूनिट तो दिया है किस कैपेसिटी में, लेकिन वहां पर सबसे नीचे में आप अंडरलाइन करिए, एट 60% वर्किंग मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज बाय 2%। अगर आप 60% में करोगे तो मटेरियल 2% बढ़ जाएगा, वर्किंग नीचे दिखाना पड़ेगा, मटेरियल अभी तो 50 रुपया चल रहा है, बट 60% कैपेसिटी में मटेरियल 2% बढ़ जाएगा, मतलब कितना करके आएगा 51। तो ये नहीं कि आप 5000 इंटू 50 करेंगे तो 6000 इंटू 50 कर देना, वो क्या हो जाएगा 51,
वन हो जाएगा, क्योंकि यहां पर हम एट 60% कैपेसिटी में वर्किंग कर रहे हैं, तो यहां पर होगा 50 पर यूनिट किसके लिए, 5000 के लिए, एंड 60% के लिए कितना होगा, 51। अच्छा, वेरिएबल के बाद आ जाइए आप सेमी वेरिएबल एक्सपेंस। सेमी वेरिएबल में क्या क्या आएगा जरा आप ध्यान दीजिए, फैक्ट्री ओवरहेड, देखो फैक्ट्री ओवरहेड 15 रुपया दिया हुआ है 6% और 6 रुपीज फिक्स लिखा हुआ है, तो वेरिएबल कितना करके हो गया 9 per unit। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 10 रुपीज करके लिखा हुआ है, ब्रैकेट में 5 रुपया फिक्स्ड बोल दिया है, तो 5 रुपया पर यूनिट क्या हो गया। अच्छा, इंक्रीज डिक्रीज का बात यहां पर कुछ नहीं बोला है, सेमी वेरिएबल भी आ गया। अब क्या आएगा बोलिए, फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड में सबसे पहले फैक्ट्री ओवरहेड, एट द रेट ऑफ 6 per unit और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 5 per unit दिया हुआ है, ये सभी का जब हम लोग टोटल करेंगे A+B+C तो यह आ जाएगा टोटल कॉस्ट। क्या आएगा, टोटल कॉस्ट हम लोग आराम से कर सकते हैं, देखिए 5000 × 50 कितना आएगा, थोड़ा बोलिए, 250,000। लेकिन यहां पर हम लोग 50 नहीं करेंगे, 51 करेंगे, तो कितना आएगा, तो 306,000। 5000 × 15 75,000, तो ये आ गया आपका 325,000। और यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 90,000, तो यहां आ गया 396,000। ये 9 रुपीज करेंगे तो 9 × 5 कितना हो जाएगा, 45, 9 × 54,000, 5 × 5 = 25 एंड 5 × 6 = 30,000। और फिक्स तो हर एक लेवल में एक ही होगा, 6 × 5 यहां भी 30,000, तो यहां भी 30,000 और यहां 25,000, तो यहां पर भी 25,000 यानी 55,000 टोटल कॉस्ट हम लोग अभी कर रहे हैं। तो टोटल कॉस्ट ये तीनों को जोड़ने से कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 4,50,000। ठीक है, वहां कितना आ रहा है, 5,00,000। पक्का जोड़ के देखें तो आप लोग, बट यहां तक नहीं पूछा, आपको प्रॉफिट पूछा है। तो देखो सेल्स दिया हुआ है तो प्रॉफिट निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, क्योंकि आपको सेलिंग प्राइस दे दिया है। ये देखो सेल्स दिया हुआ है, कैसे करके दिया हुआ है सेल्स, तो 50% कैपेसिटी पे सेल्स 100 रुपीज करके है, तो 5000 × 100 करेंगे तो कितना आएगा, 5,00,000। तो डिफरेंस ये हो गया बैलेंस, प्रॉफिट आ जाएगा दोनों का डिफरेंस, कितना आएगा बोलिए, 50% कैपेसिटी पे है 100 है, बट 60% कैपेसिटी पे सेल्स कितना हो जाएगा, सेल्स यानी सेलिंग प्राइस
100 के साथ प्लस नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है देखिए, माइनस हो जा रहा है। कितना परसेंट? इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम लोग 60% कैपेसिटी पे काम करेंगे तो हम लोग का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना करके हो जाएगा, तो 98 इंटू 6000 कितना हो रहा है, 5 लाख, तो 5,88,000, तो कितना हो गया, 53,000। आया बात समझ में? देखिए, जब भी फ्लेक्सिबल बजट आएगा बनाने के लिए, जितने भी हेड्स देंगे उसको 3 जगह आपको बांट देना है। पहला, आपको वेरिएबल में लेके जाना है। वेरिएबल में मटेरियल और लेबर तो होगा ही होगा, एंड साथ ही साथ अगर वेरिएबल वहां मेंशन कर दिया है 100% या फुली वेरिएबल लिख दिया हुआ है, वेरिएबल बड़ी वेरी करता है। सेमी वेरिएबल में वही जाएगा जिसके साथ अमाउंट हो या यूनिट हो, उसके साथ कुछ फिक्स्ड या कुछ वेरिएबल मेंशन किया है, तो वो सेमी वेरिएबल में जाएगा। फिक्स्ड में तो जो ऑफिस ओवरहेड है वो तो जाएगा ही जाएगा, साथ ही साथ जितना परसेंट यहां पर बोल दिया सेमी में 90%, अगर वेरिएबल बोल दिया तो 10% यहां आएगा, या अमाउंट में देगा तो अमाउंट में आएगा। टोटल हम लोग प्लस कर दिए। अगर किसी चीज का दाम अगर डिक्रीज या इंक्रीज हो रहा है नीचे दिखा दीजिएगा, उस समय यहां पर मेटेरियल एट द रेट ऑफ नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा, या मेटेरियल एट द रेट ऑफ लिख सकते हैं 50 per unit। किसके लिए? 50% कैपेसिटी के लिए मेंशन कर दीजिए, उसी के नीचे एट द रेट ऑफ 51 per unit, एट द रेट ऑफ कितना के लिए, 60% के लिए। आपको यहां प्रॉफिट मांग रहा था, बनाया क्यों जाता है इसको, उसको भी एक लाइन के लिए समझ लीजिए। देखो 10% हम लोग प्रोडक्शन इंक्रीज किए तो मेरा प्रॉफिट भी 10% इंक्रीज करना चाहिए ना, लेकिन देखिए इंक्रीज नहीं हुआ, क्या हुआ, उल्टा डिक्रीज हो गया। 50,000 का 10% 5,000 होता है, मतलब प्रॉफिट 55,000 होना चाहिए, लेकिन हो गया कितना, 53,000। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल बजट ये तीनों को आप बढ़िया से देखिए, समझ में आ जाएगा। बाकी और भी कुछ है वो हम लोग करेंगे, पहले कैश बजट करवाएंगे, इसके बाद फिर फ्लेक्सिबल और कैश का देख लेंगे, अगर कुछ है तो उसका सॉल्व करवा देंगे।